Welcome to Studygo with Zenith. For more videos, subscribe the channel and for latest update, follow us on Telegram and Instagram. अगर आपको इस सब्जेक्ट की सारी वीडियोस चाहिए तो वो सारी वीडियो एक ही प्लेलिस्ट में मिलेंगी. उस प्लेलिस्ट के लिंक डिस्क्रिप्शन में, एक बार आप जरूर चेक कर लेना. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ आईपीसी यानी कि भारतीय दंड संहिता का इतिहास. तो इस पर चर्चा करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आईपीसी जो है ना हमारा, ये हमने लगभग कंप्लीट करा ही दिया है पूरा. बट प्रॉब्लम ये थी कि स्टार्टिंग के जो वीडियो लेक्चर थे वो ठीक से नहीं बने हुए थे. तो सेक्शन 1 से लेकर सेक्शन 75 तक का जो पार्ट है हम फिर से कवर करा रहे हैं, तो इसलिए हम ये वीडियोस लेकर आए हैं. तो अगर आपको जितनी भी वीडियोस हमने बनाई हैं आईपीसी की वो देखनी है तो आई बटन पर आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा या फिर आप डिस्क्रिप्शन में भी देख सकते हैं. तो यहाँ पर सबसे पहले अगर हम बात करें कि भाई आईपीसी है क्या आखिर, क्योंकि आज की वीडियो में हम इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड तो डिस्कस करेंगे कि भाई हुआ क्या था, कैसे आईपीसी बना, कहाँ कहाँ पर वर्तमान में ये अप्लाई होता है, कहाँ कहाँ पर नहीं होता था पहले और अब होने लग गया है, ये सब चीजें तो हम डिस्कस करेंगे. लेकिन पहले ये चीज तो पता होनी चाहिए कि भाई आईपीसी है क्या. तो आईपीसी एक ऑफिशियल क्रिमिनल कोड है इंडिया का, यानी कि सिंपल सी भाषा में अगर मैं आपको बताऊं तो ये जो आईपीसी है ना, ऐसे आपने सुना होगा कि आईपीसी की ये धारा लग गई, किसी ने कोई ऑफेंस कमिट कर दिया तो उसके ऊपर ये वाली धारा लगा दी आईपीसी की. कोई सी भी धारा लग गई, किसी के ऊपर 302 लग गया, यानी कि जिसने मर्डर किया तो मर्डर की पनिशमेंट दे रखी है किस सेक्शन में, 302 में. तो कहने का मतलब है कि भाई पनिशमेंट जिस सेक्शन में दे रखी होती है वो सेक्शन लगता है. मान लो जैसे कि ये जो मर्डर है वो बताया गया है सेक्शन 300 में, तो अब जो कोई मर्डर करेगा ठीक है उसके ऊपर सेक्शन 300 नहीं लगेगा, उसके ऊपर लगेगा कौन सा सेक्शन जिसमें इसका पनिशमेंट दिया गया. पनिशमेंट दिया गया सेक्शन 302 ऑफ आईपीसी में, तो ये सेक्शन लग जाएगा. तो यहाँ पर जो आईपीसी है अगर इसकी हम बात करें तो इसमें सिंपली बताए गए हैं बहुत सारे सेक्शंस हैं आपके, सेक्शन 1 से लेकर सेक्शन 511 तक दिए गए हैं टोटल. तो यहाँ पर बताया गया है सेक्शंस में कि भाई क्या चीज करना ऑफेंस माना जाएगा और क्या चीज ना करना, ओमिशन जिसे कहते हैं, लोप हिंदी में कहते हैं उसे, वो भी ऑफेंस की कैटेगरी में आएगा ये बताया गया है. और उस चीज के लिए क्या दिया गया है सेक्शंस में ही या फिर किसी और सेक्शन में, उस चीज के लिए क्या दे दिया गया है पनिशमेंट, कि भाई अगर ये चीज आप करेंगे ये चीज ऑफेंस मानी जाएगी और इसके लिए आपको इतना पनिशमेंट मिलेगा ये बताया गया है. तो सिंपल शब्दों में कह सकते हैं कि अपराध, किसी भी पर्टिकुलर अपराध की क्या दी गई है परिभाषा दी गई है और उसके किए जाने पर क्या दंड मिलेगा उसका प्रावधान किया गया है आईपीसी में. और इलस्ट्रेशंस दिए गए हैं, दृष्टांत जिन्हें हम कह सकते हैं, एग्जांपल्स दिए गए हैं जिससे कोई पर्टिकुलर सेक्शन आप अच्छे से क्लियर कर पाए, इसलिए उनके इलस्ट्रेशंस भी दिए गए हैं. और सेक्शंस में ही आपको एक्सप्लेनेशंस भी दिए गए हैं, लाइक जो सेक्शन में बात लिखी है उसको और अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए. तो ये चीजें हैं आपका आईपीसी में. और जो प्रोवाइजो होता है ना, प्रोवाइजो क्या होता है, अगर प्रोवाइजो दे रखा है किसी सेक्शन में तो ये एक कंडीशन होती है ठीक है, कि भाई जैसे कि मान लो सेक्शन में कोई बात लिखी है फिर उसके बाद लिखा है प्रोवाइडेड दैट, तो इसका मतलब क्या है प्रोवाइडेड दैट, इस चीज का मतलब होगा कि भाई ये शर्त है, पहले इस शर्त को पूरा करो फिर बात करेंगे इस वाली चीज की, यहाँ पर सेक्शन में जो लिखा है. तो ये सब चीजें आपको आईपीसी में देखने को मिलेंगी. तो यहाँ पर अब सिंपल शब्दों में आपको समझ में आ गया होगा कि भाई आईपीसी में क्या क्या चीजें हैं, आखिर आईपीसी है क्या. टोटल आपके 23 चैप्टर्स हैं आईपीसी में. तो यहाँ पर सिंपल शब्दों में हम कहते हैं आईपीसी एक सब्सटेंटिव लॉ है जो कि सिंपली क्या डील करता है, राइट से डील करता है, लायबिलिटी से डील करता है, इन सबको बताता है कि भाई अगर आप ये चीज करेंगे तो आपकी लायबिलिटी क्या होगी. ये नहीं बताता कि भाई लाइक जैसे कि किसी ने मर्डर किया है तो ये बता देगा ये कि भाई ये चीज आप करेंगे तो ये क्या है मर्डर है, इसके लिए आपको इतना पनिशमेंट मिलेगा. तो भैया पनिशमेंट कैसे मिलेगा, ये चीज गवर्न होते किस चीज से, मतलब इस चीज का प्रोसीजर आपको देखने को मिलेगा किसमें, सीआरपीसी में, यानी कि कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर में. तो आईपीसी सिंपली सब्सटेंटिव लॉ है एंड सीआरपीसी जो है ना आपका वो क्या है, वो है आपका प्रोसीजरल लॉ, यानी कि सीआरपीसी जो है आपका वो सिंपली डील करता है प्रोसीजरल लॉ से, जो बताता है कि भाई मैकेनिज्म क्या होगा, क्रिमिनल ऑफेंस को ट्राई किए जाने का क्या प्रोसीजर होता है, वो पूरा आपका सीआरपीसी में दिया गया है. और आईपीसी सिंपली सब्सटेंटिव एस्पेक्ट्स जो है क्रिमिनल लॉ का उसको कवर करता है. तो यहाँ पर काफी सारी चीजें मैंने आपको बताई आईपीसी के बारे में स्टार्टिंग में, उसका इंट्रो हमने आपको दिया है. आईपीसी के आने से बहुत समय पहले की अगर हम बात करें तो भाई ऐसा होता था कि कभी भी कोई भी व्यक्ति किसी भी व्यक्ति के ऊपर अटैक कर देता था, प्रॉपर्टी ले लेता था किसी भी व्यक्ति की, कोई भी व्यक्ति. और अगर ऐसा होता था किसी ने किसी के दांत तोड़ दिए तो उसके बदले में उसके दांत तोड़े जाते थे, अगर किसी ने किसी की आंख फोड़ दी तो उसकी आंख फोड़ी जाती थी उसके बदले में, अगर किसी ने किसी को जान से मार दिया तो उसके बदले में उसको जान से मार दिया जाता था. मतलब अट्रुथ फॉर अट्रुथ, एन आई फॉर एन आई, अ लाइफ फॉर अ लाइफ वॉज द फॉर रनर ऑफ क्रिमिनल जस्टिस. इस तरीके से होते थे क्रिमिनल जस्टिस आईपीसी के आने से बहुत पहले की बात है ये. बट जैसे ही टाइम एडवांस हुआ तो जो इंजर्ड पर्सन होता था, जिसको किसी ने क्या किया होता था, चोट पहुंचाई होती थी, तो वो इंजर्ड पर्सन कंपनसेशन लेकर क्या हो जाता था, मान जाता था.
मतलब इसी को वो जस्टिस मान लेता था कि भाई जस्टिस हो गया है, न्याय हो गया है। तो ये चीज हुआ करती थी पहले। और साथ ही एक और इम्पोर्टेंट चीज ये भी थी कि मुस्लिम्स के लिए अलग लॉ बने हुए थे, हिंदूज के लिए अलग लॉ थे। तो भाई अगर ऐसा हो जाए कि मान लो किसी मुस्लिम ने किसी हिंदू को कोई हानि पहुंचा दिया, तो तब क्या होगा? तब उसके ऊपर हिंदू लॉ अप्लाई होगा या मुस्लिम लॉ अप्लाई होगा? या फिर अगर किसी हिंदू ने मुस्लिम को कुछ चोट पहुंचा दी या फिर कोई उसके साथ क्राइम वगैरह कर दिया, तो तब वो हिंदू लॉ से गवर्न होगा या फिर मुस्लिम लॉ से गवर्न होगा? ये भी नहीं समझ में आता था कि करा क्या जाए, क्योंकि मुस्लिम्स के लिए अलग लॉ बने हुए थे, हिंदूज के लिए अलग लॉ बने हुए थे, और वो अपने रेस्पेक्टिव लॉ से गवर्न होते थे। तो यहाँ पर जरूरत पड़ी किसी ऐसी कॉमन चीज की जो सभी को गवर्न करे, जो सभी के ऊपर यूनिफॉर्मली अप्लाई हो। तो इन सब कारणों की वजह से ही आईपीसी को लाए जाने का निर्णय लिया गया। अब यहाँ पर आया आपका एक इम्पॉर्टेंट एक्ट, चार्टर एक्ट ऑफ 1833। इसमें क्या हुआ, इसका कनेक्शन है ना आईपीसी से, तो यहाँ पर इसलिए हम इसको डिस्कस कर रहे हैं। तो इसको डिस्कस करने से पहले आपको पता होना चाहिए रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। तो हुआ क्या था भाई, इसके तहत जो गवर्नर होते थे ना बंगाल के, उनको ना गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया गया था। तो कौन थे वो जो बने थे गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल पहले? वो थे वॉरेन हेस्टिंग। तो भाई ये जो वॉरेन हेस्टिंग थे ना, इनको असिस्ट करने के लिए एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनाई गई थी 4 मेंबर्स की। तो यहाँ पर जो वॉरेन हेस्टिंग के लिए असिस्ट करने के लिए 4 मेंबर की एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनाई गई थी, इस चीज को आपने ध्यान रखना है। अब यहाँ पर अगर हम बात करें चार्टर एक्ट 1833 की, तो इसके तहत क्या किया गया, इसके तहत भाई जो गवर्नर जनरल होते थे ऑफ बंगाल, उनको क्या बना दिया गया, उनको बना दिया गया गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। तो कौन थे वो जो बने थे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया पहले? वो थे आपके लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो अब यहाँ पर ये जो एक्ट आया ना आपका 1833 का, इसके तहत क्या कर दिया गया, जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनाई गई थी 1773 में, उस एग्जीक्यूटिव काउंसिल में चार्टर एक्ट 1833 के तहत ये जो 4 मेंबर थे ना, ये पहले इनमें से एक मेंबर जोड़ा गया, क्या, लॉ मेंबर। ठीक है, एक जोड़ा गया ऑफिस लॉ मेंबर का, और जो लॉर्ड मैकॉले थे वो बने पहले लॉ मेंबर। यानी कि ऐसा कह सकते हैं लॉर्ड मैकॉले वाज़ द फर्स्ट लीगल मेंबर ऑफ द एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, जो क्रिएट की गई थी 1833 में उसके तहत। और फर्स्ट लॉ कमीशन बनाया गया ब्रिटिश इंडिया के टाइम का, फर्स्ट लॉ कमीशन कह सकते हैं इसे 1834 में, और इसके चेयरमैन बनाए गए लॉर्ड मैकॉले, और साथ ही इसके 3 अदर मेंबर थे जैसे कि सर श्री मैकलॉयड, एंडरसन एंड मिलेट। ये 3 अदर्स मेंबर थे इस पहली लॉ कमीशन के, जो कि ड्यूरिंग द ब्रिटिश इंडिया एस्टैब्लिश की गई थी, जिसके चेयरपर्सन बने थे लॉर्ड मैकॉले। लॉर्ड मैकॉले बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं, इनको आईपीसी का जनक कहा जाता है, फादर ऑफ आईपीसी भी कहते हैं इनको। तो ये जो फर्स्ट लॉ कमीशन थी, इन्होंने प्रिपेयर किया आईपीसी का ड्राफ्ट, इतनी बात क्लियर। और इस ड्राफ्ट को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया जो थे उस टाइम पर, कौन थे भाई गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया? वो थे आपके लॉर्ड विलियम बेंटिक। उनको कंसीडर करने के लिए दिया गया ऑन 14th अक्टूबर 1837। अब यहाँ पर ड्राफ्ट फिर से रिवाइज किया गया, फिर 1845 की बात है, एक दूसरा कमीशन सेटअप किया गया ड्राफ्ट को रिव्यू करने के लिए, और फिर जो दूसरा कमीशन सेटअप किया गया था उन्होंने 2 रिपोर्ट्स तैयार की ड्राफ्ट की। फिर इस तरीके से जो आपका ड्राफ्ट था आईपीसी का प्रारूप जो था वो कम्प्लीट हो गया 1850 में। अब यहाँ पर ये जो कोड था यानी कि संहिता जो थी, इसको प्रेजेंट किया गया कहाँ पर, लेजिस्लेटिव काउंसिल में 1856 में, बट कोई फायदा नहीं हुआ, कोई इफेक्ट नहीं हुआ, इस चीज का कोई प्रभाव नहीं हुआ। अब यहाँ पर 1857 में जो रिवॉल्ट हुआ, आप जानते होंगे 1857 की जो क्रांति हुई थी उसको अच्छे से, तो इसके बाद मतलब जो ये ड्राफ्ट था इसने तेजी पकड़ ली। द ड्राफ्ट देन अंडरवेंट अ वेरी केयरफुल रिविजन एट द हैंड्स ऑफ बॉन्स पिकॉक। तो बॉन्स पिकॉक के हाथ में गया ये, बहुत ही केयरफुल रिविजन इन्होंने इसका किया। और भाई जो बॉन्स पिकॉक थे वो बाद में बन गए थे कलकत्ता हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस, पहले चीफ जस्टिस बन गए थे। अब इसके बाद 1860 में क्या हुआ, जो ड्राफ्ट था लेजिस्लेटिव असेंबली में पास हुआ। फिर इसके बाद इसको गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की क्या मिल गई, असेंट मिल गई। तो यहाँ पर अभी गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की अगर हम बात करें, तो भाई आपको पता होना चाहिए 1858 का
आया था एक एक्ट, उसको बोलते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। तो भाई इस एक्ट के तहत पता क्या कर दिया गया था कि जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे उनको रिनेम्ड कर दिया गया एज वायसराय, ठीक है, उनको वायसराय बना दिया गया। तो पहले वायसराय बने थे लॉर्ड कैनिंग। तो इस तरीके से जो वायसराय थे लॉर्ड कैनिंग, उनकी असेंट मिल गई आईपीसी के ड्राफ्ट को, उन्होंने असेंट दे दी और अब आईपीसी आपका इनैक्ट हो गया 6 अक्टूबर 1860। ये आईपीसी के इनैक्टमेंट की डेट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अक्सर पूछी जाती है एग्जाम्स में। फिर इसके बाद ये काफी टाइम तक लागू नहीं हो पाया। तो कब ये लागू हुआ, कब ये एनफोर्समेंट में आया, या फिर इसको कह सकते हैं कब ये कमेंसमेंट में आया, कब ये परिवर्तनीय हुआ, तो आपका आईपीसी परिवर्तनीय हुआ, लागू हुआ 1 जनवरी 1862 से। अगर हम इसका साइटेशन आपको बताएं तो ये 1860 में बनने वाला 45वें नंबर का एक्ट था और इसके टेरिटोरियल एक्सटेंट की अगर हम बात करें तो ये पूरे इंडिया में एक्सटेंड होता है। लेकिन इससे पहले अगर मैं आपको कुछ चीजें बताऊं, तो जब ये आईपीसी आपका बनकर तैयार हुआ था तो 1940 तक ये आपका प्रिंसली स्टेट्स के ऊपर अप्लाई नहीं होता था। और अगर हम बात करें 31 अक्टूबर 2019 से पहले की, तो ये इस तारीख से पहले जम्मू एंड कश्मीर के ऊपर अप्लाई नहीं होता था। जैसे कि आपको पता ही है 370 धारा बोलते हैं, धारा नहीं है वो, आर्टिकल है भारतीय संविधान का, जो आर्टिकल है 370, जैसे ही वो हट गया, उसके हटने के बाद जैसे ही आपका जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट जो है वो लागू हुआ 31 अक्टूबर 2019 को, तब से जम्मू एंड कश्मीर के ऊपर भी आपका आईपीसी अप्लाई होने लग गया। और पहले ऐसा होता था आईपीसी के अप्लाई होने से पहले कि भाई जो जम्मू एंड कश्मीर था वहां पर अप्लाई होता था रणबीर पिनल कोड, अब इसको हटा दिया गया है आईपीसी के द्वारा, इसको रिप्लेस कर दिया गया है बाय 31 अक्टूबर 2019। 31 अक्टूबर 2019 से अब आपका आईपीसी पूरे भारत में अप्लाई होता है, पूरे इंडिया में अप्लाई होता है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये डेट, यानी कि 31 अक्टूबर 2019, इस दिन को आपका जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट क्या हुआ था, लागू हुआ था। तो इसलिए ये आपने ध्यान रखना है। तो ये जरूरी था, ये इंपॉर्टेंट चीज थी जो आपको जाननी चाहिए थी। आईपीसी के स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो आईपीसी में 23 चैप्टर्स हैं और इन चैप्टर्स में आपको मिलेंगे देखने को कितने सेक्शन, सेक्शन 1 से लेकर 511 तक। तो कह सकते हैं कि 511 धाराएं हैं आईपीसी में। और लास्ट टाइम अगर हम बात करें अमेंडमेंट कौन सा आईपीसी में किया गया था, तो वो था द क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2018। अब अगर हम बात करें आईपीसी में जितने भी ऑफेंसेस वगैरह बताए गए हैं, जिनकी लिस्ट दी गई है, तो उनका इन्वेस्टिगेशन, उनकी इंक्वायरी वगैरह, उनका ट्रायल वगैरह, ये सब कुछ होता है सीआरपीसी में, जो प्रोविजंस दिए गए हैं उनके अकॉर्डिंग ही ये सब होता है। तो ये था आईपीसी के बारे में बेसिक्स जो हमने आपको आज के वीडियो में बताया। आईपीसी के हमारे जितने भी वीडियो लेक्चर हैं सेक्शन 1 से लेकर 511 तक के, उनके लिए हमने एक पीडीएफ नोट्स हमने तैयार किया है। अगर आपको वो खरीदना है तो आप खरीद सकते हैं। उसको खरीदने के लिए आपने हमारे ईमेल एड्रेस पर हमें मेल करना होगा कि मैम हमें आपके आईपीसी के पीडीएफ नोट्स चाहिए। और मेरा ईमेल एड्रेस है znt70600@gmail.com। ये हमने अपने डिस्क्रिप्शन में भी डाल दिया है और कमेंट बॉक्स में भी पिन कर दिया है अपना ईमेल एड्रेस, जिस पर आप हमें मेल करके हमारे आईपीसी के नोट्स खरीद सकते हैं पीडीएफ फॉर्मेट में। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं आईपीसी में क्या क्या चीजें जो हमारे पीडीएफ में आपको मिलेंगी, उसका हमने इंडेक्स यहाँ पर आपको शो कर दिया है, आप देख सकते हैं। तो आईपीसी के पीडीएफ में ये सब चीजें आपको मिलेंगी जो जो यहाँ पर हमने आपको दिखाई हैं। थोड़ा सा डेमो के लिए हम आपको आईपीसी के ईबुक का स्टार्टिंग के कुछ पेजेस दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं। सेकेंडली हमने इंडियन एविडेंस एक्ट के जो हमारे सेक्शन 17 से लेकर 167 तक के सेक्शन हैं, उनका भी एक पीडीएफ नोट्स तैयार किया है। उसमें आपको सारे लेक्चर्स का नोट्स मिल जाएगा। अगर आपको वो भी खरीदना है तो उसके लिए हमने अपना ईमेल एड्रेस डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, उस पर आप मेल कीजिएगा कि मैम हमें आपके एविडेंस के नोट्स चाहिए, हम आपको एविडेंस के नोट्स प्रोवाइड कर देंगे। स्टार्टिंग के जो सेक्शन है 17 से पहले के, वो हमने बैरेट से ही पढ़ाए थे एविडेंस के, तो इसलिए हमने उनको पीडीएफ में इंक्लूड नहीं किया है। यहाँ पर डेमो के लिए हम आपको एविडेंस की पीडीएफ का कुछ पार्ट दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं। तो
तो ये था हमारे एविडेंस एंड आईपीसी की पीडीएफ के बारे में। अगर आपको परचेस करनी है तो परचेस करने के लिए आप हमारे ईमेल एड्रेस पर हमें मेल कर सकते हैं कि मैम हमें आईपीसी की, या फिर अगर आपको एविडेंस की चाहिए तो एविडेंस की ईबुक चाहिए, ईबुक बोलते हैं इसे पीडीएफ नोट्स को, तो आप इस तरीके से हमें मेल कर सकते हैं। फिर मैं आपको बता दूंगी कि किस तरीके से आपने पे करना है, एंड देन जो भी ईबुक के लिए आप पे करेंगे वो आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। सो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। तो वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, जितना ज्यादा हो सके वीडियो को शेयर जरूर कर देना।